जैसे मैंने यहाँ पर दोस्तों सप्लाई कनेक्ट करा, ये हमारा 100 वाट का बल्ब जो है वो ग्लो कर गया। जैसे मैंने यहाँ पर सप्लाई हटा दिया, ये ऑफ हो गया। प्यार दोस्त, आप सबने रिले देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा सर्किट पे लगा होता है, इसमें से कुछ आवाज़ भी आती है खटर खुटर की। वो दोस्तों क्या है, रिले कैसे काम करता है, क्या इसका फंक्शन है और हम कैसे इसे ऑपरेट करवा सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, दोस्तों इसको कैसे यूज करके कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप सब एकदम मस्त होंगे, चौचक होंगे, झकास होंगे। तो प्यारे दोस्त, आज हम देखने वाले हैं एक रिले का पूरा फंक्शन देखेंगे, उसका हर एक टर्मिनल पीछे कौन कौन से टर्मिनल्स लगे हैं, किसका क्या मतलब है, किस पे कौन सी सप्लाई देनी है, एसी देनी है, डीसी देनी है, सब कुछ दोस्तों आपको बताने वाले हैं। बस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसे सब्सक्राइब कर रखा है धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यार दोस्त, ये हमारे पास नंबर ऑफ रिले है, 6-7 रिले हमारे पास, जो भी है 6 रिले हमारे पास। तो इसके पीछे जब दोस्तों हम पलटते हैं ना, कोई एक ले लेते, कोई सा भी एक ले लेते दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसमें से जो साफ है थोड़ा सा, ये देखिए ये वाले लिए, इसके पीछे आप देखेंगे दोस्तों 5 पिन है। ये दोस्तों पिन क्या है, और यहाँ पर दोस्तों क्या है कि इसकी सारी रेटिंग लिखी होती है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये दोस्तों जो रिले है ऑपरेट होता है 12 वोल्ट 2 एम्पियर से, इसकी ऑपरेशन है 12 वोल्ट 2 एम्पियर की। और ये दोस्तों लोड जो बियर कर सकता है 250 वोल्ट 10 एम्पियर तक के लोड को सह सकता है, झेल सकता है। और वही दोस्तों अगर से आप डीसी कनेक्ट करते हैं तो 28 वोल्ट 10 एम्पियर तक आप डीसी के भी लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 50 से 60 हर्ट्ज, दोनों भी हर्ट्ज पे ये काम कर रहा है। पीछे आपको दोस्तों जो टर्मिनल दिख रहे हैं ये क्या क्या है, चलिए वो हम समझाते हैं, क्योंकि वो दोस्तों आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो उसके मैं समझाने के लिए कुछ इस तरीके का देखिए यहाँ पर डायग्राम बना दिया हूँ। तो सेम दोस्तों देखिए, 3 टर्मिनल ऊपर है तो 3 टर्मिनल मैंने ऊपर बनाया है, और दोस्तों 2 टर्मिनल नीचे है तो 2 टर्मिनल मैंने नीचे बना रखा है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बीच वाला है, ये वाला टर्मिनल आपको दिख रहा है, यहाँ पर COM लिखा है, मतलब ये दोस्तों कॉमन है। AC का साथ दोस्तों कॉमन होता है, लेकिन जो C1 और C2 है, इसको दोस्तों ये क्या है, रिले को ऑपरेट कराना है। जैसे आपको दोस्तों आवाज़ खटखट की आवाज़ आती है, वो इसी के थ्रू आती है कि अगर से रिले आपका ऑपरेशन में तो आवाज़ करेगा ही करेगा, अगर से ऑपरेट नहीं कर रहा है कॉन्टेक्टर इसका दोस्तों चिपक गया है तो आवाज़ नहीं करेगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव जो DC सप्लाई है 12 वोल्ट 2 एम्पियर की, यहाँ और यहाँ कनेक्ट करना होगा। और देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लोड आप किस तरीके से इसको यूज करना चाहते हैं, तो हमारा NO नॉर्मली ओपनड होता है, NC नॉर्मली क्लोज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको जहाँ ज़रूरत है आप नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज को यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम कैसे पता करें कि इसमें से कौन सा नॉर्मली ओपन है, कौन सा नॉर्मली क्लोज है बिना किसी एक्सटर्नल सप्लाई के। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कोई भी आपको मल्टीमीटर के यहाँ पर कंटिन्यूटी पर सेट कर लेना है, और एक बीच में रख देना है, यहाँ जो मैंने कॉमन बताया कॉमन पर, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों देखिए, जैसे आप टच कराएंगे तो देखिए आवाज़ सुनाई दे रही है, और वही दूसरे वाले से आपको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये इस टाइम ये नॉर्मली क्लोज्ड है, ये वाला नॉर्मली क्लोज्ड है, और ये दोस्तों नॉर्मली ओपन है, ये वाला, ये कॉमन, ये नॉर्मली ओपन, और ये दोस्तों नॉर्मली क्लोज, क्योंकि देखिए कोई सप्लाई नहीं दिए हैं तो ये डायरेक्ट हमें क्या कंटिन्यूटी बता रहा है, और इससे कंटिन्यूटी बताता तो ये वाला नॉर्मली क्लोज आता। इसमें दोस्तों लेफ्ट राइट का कोई भी चक्कर नहीं है, कोई भी नॉर्मली ओपन कोई भी नॉर्मली क्लोज हो सकता है, वो कंस्ट्रक्शन कौन सी कंपनी किस कंस्ट्रक्शन पर बनाई है, तो ऐसे आप दोस्तों क्या कर सकते, चेक कर सकते। तो जैसे कि हमारा नॉर्मली क्लोज है, आपको बीप सुनाई दे रहा है, ये मेरा दोस्तों नॉर्मली ओपन है। अब चलिए दोस्तों कि इस पर हम कोई लोड लगा करके देखते हैं कि क्या ये हमारा जो रिले है वो प्रॉपर कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या करा है कि इस वाले रिले के थ्रू मैं एक 100 वाट का बल्ब है उसको दोस्तों आपको जला करके दिखाऊंगा। तो उसका सर्किट डायग्राम दोस्तों कुछ इस तरीके से है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर फेज न्यूट्रल ये AC सप्लाई है, जो कि आपका 100 वाट का बल्ब है AC वाला, वो जलेगा। तो फेज को दोस्तों हमने डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, न्यूट्रल को दोस्तों आप मैंने क्या किया, यहाँ देखिए कॉमन पर कनेक्ट किया, और दूसरा दोस्तों जो इसका टर्मिनल है ये नॉर्मली ओपन पर कनेक्ट करा है कि जब इसको हम DC सप्लाई दे तो ये नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज हो जाए, और जो नॉर्मली क्लोज है नॉर्मली ओपन हो जाता है, हमारा ये बल्ब क्या है दोस्तों जल जाए। आपको दोस्तों कनेक्शन का जो डायग्राम है वो आपको दिख रहा होगा, इतना बहुत ही ईजी, आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, एक बार कनेक्ट करता हूँ और आपको सिंपल सा इस रिले को ऑपरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने 12 वोल्ट DC 2 एम्पियर का, हम आप चाहे बैटरी यूज कर सकते हैं, मैं दोस्तों क्या यूज करने वाला हूँ आपको दिखाते हैं। प्यार दोस्त, सर्किट के अकॉर्डिंग देखिए मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर लिया है, आप देख सकते हैं रेड वाला मेरा फेज है, तो मैंने फेज को डायरेक्ट कनेक्ट किया, और इसमें से देखिए एक
जो न्यूट्रल वायर है उसको देखिए यहाँ और यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये दोस्तों मैंने नॉर्मली ओपन पे कनेक्ट करा है, क्योंकि जैसे हम क्या करें इसमें सप्लाई दे तो ये नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज हो जाए और जो दोस्तों मेरे 100 वाट का बल्ब है वो दोस्तों अच्छे से जलना स्टार्ट हो जाए। लेकिन दोस्तों ये तब तक नहीं जलेगा जब तक मैं यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं कनेक्ट करूँगा। तो मैं दोस्तों आप चाहे तो बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट का एक फीमेल सॉकेट कनेक्ट किया है, क्योंकि मैं इस एडाप्टर से 12 वोल्ट डीसी यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट कर दूँगा। तो चलिए अब सब कुछ ईजी है तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ भी कनेक्ट करते हैं, फिर आपको ऑपरेशन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं जैसे देखिए इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ, आपको एक आवाज़ सुनाई देगा खुट से, ये देखिए, ये देखिए आपको दोस्तों आवाज़ सुनाई दे खुट खुट की। तो यही दोस्तों आवाज़ करता है कि जैसे हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं देखिए ये प्लग मैं डायरेक्ट एसी से कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर, देखिए जो कनेक्ट कर दिया मैंने, लेकिन दोस्तों जो मेरा बल्ब है 100 वाट का वो दोस्तों ग्लो नहीं कर रहा है। अब हम क्या करें डायरेक्ट यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर दोस्तों सप्लाई कनेक्ट करा, ये हमारा 100 वाट का बल्ब जो है वो ग्लो कर गया। बार बार दोस्तों एलईडी का नाम आ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर सप्लाई हटा दिया ये ऑफ हो गया। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर से इस वायर को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे तब क्या होगा, तो चलिए ये भी करके देखते हैं। तो प्यारे दोस्त ये देखिए अभी तक नॉर्मली ओपन पर लगा था ये वाला, अब हम क्या करेंगे इसको नॉर्मली क्लोज पर लगा देंगे। देखिए यहाँ पर तब देखते हैं दोस्तों क्या फ़र्क पड़ने वाला है इसका। ये देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने क्या करा है कि इस वाले नॉर्मली ओपन पहले लगा था ये वाला टर्मिनल, मैंने यहाँ पर नॉर्मली क्लोज पे कनेक्ट कर दिया है। अब आपको देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ देखिए सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए आपका जो बल्ब है वो दोस्तों ग्लो कर रहा है। लेकिन अभी जैसे मैं इसको सप्लाई से कनेक्ट करूँगा तब देखिए क्या होता है। ये देखिए देख पा रहे हैं दोस्तों, अभी इसके पहले क्या था कि मैं सप्लाई से कनेक्ट कर रहा था तब ये बल्ब जल रहा था, लेकिन अब मैं सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये बल्ब हमारा ऑफ हो जा रहा है, बुझ जा रहा है। देखिए मैंने सप्लाई हटा दिया, यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं है, ये आपका प्रॉपर एलईडी, बार बार भाई एलईडी आ रहा है, ये बल्ब है तो बल्ब प्रॉपर जल रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ मतलब जो हमारा रिले है ऑपरेट हो रहा है, ये हमारा जो बल्ब है वो प्यारे दोस्त बल्ब ऑफ हो जा रहा है। प्यारे दोस्तों आप चाहते हैं कि नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज आपको और डिटेल में जानना है तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट करिए, हम उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे कि नॉर्मली ओपन क्या होता है और नॉर्मली क्लोज क्या होता है दोस्तों, बीस डायग्राम और उसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन भी क्या होता है वो सारा दोस्तों हम नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज पर क्या करेंगे बात करेंगे उसी दिन। प्यारे दोस्त उम्मीद करता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। प्यारे दोस्त आपको ये रिले कैसे यूज कराया, सर्किट में आखिर जो पहले लगा था उसका कहाँ पर क्या यूज है, इसके सप्लाई कौन सी है, कॉन्टेक्टर क्या है, किस पर डीसी, किस पर एसी, ये सब दोस्तों आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। प्यारे दोस्त रिले की कहानी बस इतनी ही थी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में दोस्तों आपने अभी रिले कभी देखा है कि नहीं देखा है वो भी दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। हम मिलेंगे प्यारे दोस्त किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।